दोस्तों किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए कायदे कानून की ज़रूरत होती है और हर एक देश के अपने अपने अलग अलग कायदे कानून होते भी हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे अजीब अजीब से कानून बनाए जाते हैं जिसे सुन के लगता है कि भाई ये कैसा कानून है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही कानून को लेकर आए हैं जो सुनने में बहुत ही अजीब लगते हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर ऐसे कानून हमारे यहाँ लागू हो जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों दोस्तों आमतौर पर हमारे घर या ऑफिस में बल्ब बदलने का काम हम खुद ही कर लेते हैं या फिर किसी से करवा लेते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऐसा करना गैरकानूनी है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और आपके घर का बल्ब बिगड़ गया है तो आप खुद ही उस बल्ब को बदल नहीं सकते हैं। वहाँ पर यह काम कोई ट्रेंड इलेक्ट्रिशियन ही कर सकता है जिसके पास इसका लाइसेंस होता है। इस कानून को ना मानने पर $10 ऑस्ट्रेलियन तक का जुर्माना भी आपको हो सकता है। अब जरा सोचिए कि हमारा भारत देश जहाँ पर लोग अपने घर का पूरा वायरिंग ही खुद कर लेते हो, वहाँ पर ऐसा कानून लागू हो जाए तो इसे कौन मानेगा भला। दोस्तों अगर आपको कोई कहे कि हमारे देश में मोटा होने को गैर कानूनी माना जाएगा, ऐसा कानून पास हुआ है और मोटे लोगों से जुर्माना वसूल किया जाएगा, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आप कहेंगे कि भाई भारत में तो हर तीसरा व्यक्ति मोटा है और अगर ऐसा कानून बन जाए तो इसका पूरा विरोध किया जाएगा। लेकिन अगर हम कहें कि एक ऐसा देश है जहां पर ऐसा कानून लागू कर दिया गया है और इसके चलते मोटा होना गैर कानूनी है, तो आप यकीन नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों जापान एक ऐसा देश है जहां पर मोटा होना गैर कानूनी है। 2009 में बने एक कानून के मुताबिक यहां पर पुरुषों और महिलाओं की कमर का अधिकतम आकार निश्चित कर दिया गया है, जिसके अनुसार जापान में 40 साल से ज़्यादा उम्र के पुरुषों की कमर 31 इंच और महिलाओं की कमर 35 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और अगर कमर का साइज इससे ज़्यादा हुआ तो इसे गैरकानूनी माना जाएगा। दोस्तों जरा सोचिए, आप किसी पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं और आपको कोई नोटिस दिखाई दे जिस पर लिखा हो कि यहाँ पर मरना गैरकानूनी है, तो आप क्या सोचेंगे? आप कहेंगे कि भाई ये क्या बात हो गई, मौत तो कहीं भी हो सकती है और कभी भी आ सकती है, वो थोड़ी ना बता के आएगी और वो मौत है, टॉयलेट थोड़ी ना है जो थोड़ी देर तक रोक कर रखेंगे। लेकिन अगर हम कहें कि ऐसा देश है जहाँ पर संसद में किसी की मौत हो जाए तो उसे गैरकानूनी माना जाएगा, तो आप चौंक जाएंगे। आप कहेंगे कि भाई ऐसा भी कोई कानून होता है? लेकिन दोस्तों ऐसा कानून है और जिस देश में ये कानून लागू किया गया है उस देश का नाम है इंग्लैंड। दोस्तों 2007 में इसे यूके का सबसे बेतुका कानून करार दिया गया था। लोगों ने कहा था कि इस कानून का कोई आधार ही नहीं है, क्योंकि सोचिए अगर कानून तोड़ने वाला ही मर गया है तो आप सजा किसे देंगे? दोस्तों जरा सोचिए कि आप अपनी कार या फिर बाइक लेकर कहीं जा रहे हैं और अचानक से आपकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि भाई अगर टू व्हीलर होगा तो खींच कर ले जाएंगे और कार होगी तो धक्का देकर पेट्रोल पंप तक ले जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे ही गाड़ी को धक्का मारकर या फिर खींच कर ले जा रहे हो और तब भी कोई बंदा आकर कहे कि आपकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म होना गैरकानूनी है और आपको इसका जुर्माना देना होगा, तो आप क्या करेंगे? आपका एक ही डायलॉग निकलेगा, पीके है क्या? तो दोस्तों ये तो सिर्फ जोक था, लेकिन सच में ऐसा कानून लागू हुआ है और ये कानून जिस देश में लागू किया गया है उसका नाम है जर्मनी। दोस्तों अगर आप जर्मनी में हैं तो आपकी गाड़ी में पेट्रोल कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। यह गाड़ी को खींचने के साथ साथ पैदल चलना भी गैरकानूनी माना गया है। इस कानून को बनाने का कारण ये दिया गया है कि अगर आप गाड़ी को खींचते हुए या फिर पैदल चलते हैं तो इससे दूसरे ड्राइवरों का ध्यान भटक सकता है और एक्सीडेंट हो सकता है। अगर आपकी गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो इसके लिए आपको 65 पाउंड यानी कि करीब 6000 भारतीय रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो दोस्तों ये थे दुनिया के कुछ अजीब कानून। अब जरा सोचिए कि ये कानून अगर भारत में लागू कर दिए जाए
तो क्या होगा? तब आप कहेंगे कि लोग तो सड़क पर ही उतर आएंगे और अगले चुनाव में सरकार ही बदल जाएगी। तो दोस्तों, ऐसे कानून हमारे देश में लागू हो ही नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए दोस्तों, ताकि आगे भी ऐसी जानकारी से भरी वीडियोस आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलती है अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही नई जानकारी के साथ।